नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्री सुंदरलाल लोधी के जिले में प्रथम आगमन पर अभिनंदन एवं स्वागत समारोह शक्ति पैलेस ब्लॉक रोड अजीतमल में किया गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का कार्यकर्ता सम्मेलन आदमपुर स्थित शिव शक्ति गेस्ट हाउस में सम्पन्न हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह उर्फ कल्लू यादव के साथ दया कृष्ण राजपूत, डॉक्टर अजय राजपूत, जिला सचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ठाकुर राघवेंद्र सिंह गौर ने प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी को चांदी का मुकुट फूल माला पहनाकर स्वागत किया। प्रगतिशील पार्टी इतनी तेजी से बढ़ी है कि हर पार्टी 10-10 साल में भी इतनी आगे नहीं बढ़ पाती है जितनी की ये उठ करके खड़ी हो गई है। 600 अवस्था में आज आप देखें, विश्वास करें कि गरीबी के मुद्दों को, हर प्रकार के मुद्दों को लेकर के आप सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को कौन घेर रहा है, कौन सड़क के ऊपर है, वो आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ही घेर रही है। चाहे आंदोलन हो, सड़कों के ऊपर हो, राजभवन का घेराव हो, सचिवालय का घेराव हो, सब जगह के ऊपर प्रतिदिन आंदोलन हमारी पार्टी ही कर रही है। और मित्रों, आप विश्वास रखें कि जब ये आंदोलन हमारी पार्टी कर रही है तो जनता ने मानना प्रारंभ कर दिया है कि अगला विकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी तो अभी सत्ता में है, बौखलाई है, जगह जगह के ऊपर लूट मची है, तहसीलों में लूट है, थाने लूटे जा रहे हैं, कहीं पर भी आप चले जाए सिंचाई में लूट है, काम होगा नहीं, पैसा निकल जाएगा, प्रधान के घर में पैसा भी नहीं पहुंचेगा, जांच उसकी पहले शुरू हो जाएगी, इसलिए शुरू हो जाएगी कि प्रधान तो मजबूरी है, चलो कुछ नहीं है तो उससे यही वीडियो सीडियो यही जांच करना प्रारंभ करेंगे, उसको हजारों रुपए लेकर के लूटेंगे, तब उसको छोड़ेंगे। ये आज प्रधान की है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा हमारे समझ में कर्मचारी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, इन सभी सब बिंदुओं को लेकर के हमारी प्रगतिशील पार्टी आज संघर्षरत है, संघर्ष कर रही है और विकल्प के रूप में जनता इसे मान चुकी है, यही इसका अर्थ है। मित्रों, आज पहला दिन अपने परिवार में आने का इसलिए रखा, घर में आने के लिए इसलिए रखा कि ये हमारे सदैव से समाजवादी पार्टी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई नहीं है।